नमस्कार, मैं बनाने जा रही हूँ आज काबली चना पनीर मखाना का लावा, उससे सब्जी। ये सब्जी शादियों में खूब चलता है और स्वादिष्ट बहुत होता है। देखिए, उसके लिए 100 ग्राम काबली चना है, 200 ग्राम पनीर है और थोड़ा सा तल मखाना का लावा है, 5 टमाटर है, मसाले में अदरक लहसुन 2 हरी मिर्च और गरम मसाला 1 चम्मच डालेंगे। तलने के लिए तेल, नमक, हल्दी, कसूरी मेथी डालेंगे और देगी लाल मिर्च 1-1 चम्मच। इनसे हम बनाएंगे इन सब्जियों को। देखिए, काबली चना को हम 1 सीटी कुकर में लगा दिए हैं, ज़्यादा नहीं उबालेंगे। और कढ़िया को हम बैठा दिए हैं, उसमें तेल डाल दिए। तेल गरम होगा तो इसमें तल मखाना का लावा हम फ्राई करके निकालेंगे, आपको दिखा रहे हैं। ये फ्राई हो गया है, अब इसे हम निकाल रहे हैं। पनीर को फ्राई करेंगे। देखिए, पनीर को भी हम लाइट फ्राई करेंगे। अब इन्हें हम निकाल रहे हैं कढ़ैया से। इसमें हम अदरक लहसुन हरे मिर्च का पेस्ट डाल रहे हैं, इसको मिक्सी में पीस लिए थे। इसको भून लेते हैं। अदरक लहसुन हरे मिर्च का पेस्ट एकदम भून कर लाल हो गया है। अब उसमें पीसा हुआ टमाटर डाल रहे हैं, सब मिक्सी में पीसते हैं। इसे भी हम पकने तक भूनेंगे। 2 मिनट अदरक लहसुन भुने थे, अब ये भी 2-3 मिनट भुनेंगे हम। देखिए, टमाटर भुन गए हैं, इसे भुनने में हमें 2 मिनट लगा है। अब इसी में हम 2 चम्मच गरम मसाला डालेंगे। ये चाय वाली स्पून है, इससे देखिए हल्का हल्का, ज़्यादा भरा हुआ नहीं है, मसाला ज़्यादा भी ना होने पाए। हल्दी 1/2 चम्मच, नमक 2 टेस्ट, मसाला भुन गया है। अब उसमें उबले हुए काबली चना हम मिलाने जा रहे हैं। देखिए, चने में उबालते समय थोड़ा पानी था, वो भी हम डाल दिए हैं।
ये फ्राई किया हुआ पनीर, तल मखाना का लावा, इसको हम मिला दे रहे हैं। आधा चम्मच देगी मिर्च, हाफ चम्मच कसूरी मेथी, एक मिनट भुनने के बाद मैं दिखाती हूँ। देखिए अब हम डाल दे रहे हैं इसमें पानी, एक मिनट भुने हैं बस मिला के, इसमें ज़्यादा पानी नहीं क्योंकि सारा चीज़ पका हुआ है। चना, पनीर, लावा सब भुना पका हुआ है, बस थोड़ा बस ऐसे कि मतलब मिला दें पक जाए। बस 2 मिनट ये पक जाएगा। सब्जी पककर तैयार है। देखिए अब हम करते हैं गैस को बंद। देखिए अब हम सब्जी को सर्व कर रहे हैं। देखिए ये सब्जी बनकर तैयार है। ये हम सर्व कर दिए हैं। अब मैं मिलती हूँ अगले।